नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नेश कौशल और आप सबके बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप दिखाने वाले हैं कि कार को कैसे फॉर्म वॉश करते हैं। तो ये फॉर्म वॉश करने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सा शैम्पू चाहिए, जो कि है फॉर्म वॉश, वो भी JPT 5 लीटर का। ये पड़ेगा आपको सिर्फ 999 में। अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ और एक चीज़ चाहिए, फॉर्म कैनन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये भी JPT का मैंने मंगवाया, क्योंकि सारे JPT का प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने JPT का प्रोडक्ट अमेजन से ऑर्डर करता हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इससे हम लोग किस तरह से फॉर्म वॉश करते हैं। और चाहिए मशीन, जो कि ये भी JPT का है, और मेरे पास 2300 वाट का भी मशीन है। उस मशीन का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसका रिलेटेड वीडियो बनाया है। तो चलिए दिखाते हैं कि इसमें कितना शैम्पू डालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पूरा मार्क किया गया है, 100 ml, 200 ml, 300 ml, इस तरह करके यहाँ पे 1000 ml दिया है। तो पूरा 1 लीटर का शैम्पू इसमें डाल सकते हैं। तो फिलहाल इसमें ये जब कार वॉश का शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ हम लोग को 100 ml यूज ही करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको ढक्कन को खोलते हैं हम। तो चलिए इसको ढक्कन खोल लिए हैं, अब इसको पकड़ने के लिए पप्पू जी थोड़ा हेल्प कीजिए। तो इसको पकड़िए बोतल को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 100 ml शैम्पू डाल दिया है, हालांकि 100 ml से थोड़ा सा ज़्यादा है, 150 ml है। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा शैम्पू होने से ज़्यादा फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आप पूरा 1 लीटर इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे। देखिए पूरा 1 लीटर पानी इसको डाल दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको पाइप को डालते हैं अंदर, उसको लगा लेते हैं, ढक्कन को करते हैं टाइट। देखिए दोस्तों, ये टाइट हो गया अच्छी तरह से। अब इसको क्या करना है, अच्छी तरह से इसको सेक करना है, तभी ये फॉर्म क्रिएट कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ पानी पानी निकलेगा। पानी और शैम्पू पूरा मिक्स होना चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा थोड़ा देर के लिए इसको पूरा अच्छी तरह से सेक करेंगे। इस तरह से आपको लगभग 1 मिनट करना है, बिल्कुल पूरा शैम्पू और पानी मिक्स होने जा अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से, देख सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इसको यूज करने से पहले आपको कार को अच्छी तरह से पानी मारना पड़ेगा, पूरा वॉश अच्छी तरह से हो जाना चाहिए और तभी आप शैम्पू का इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए अब कार को हम लोग थोड़ा सा पानी से वॉश कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने पूरा अच्छी तरह से पानी से वॉश कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे ये चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसको इसको किस तरह से कनेक्ट करना है ये चीज़ सबसे पहले आपको समझा देते हैं हम। तो देखिए, ये जो कनेक्ट है, कनेक्टर है, इसको खोल लेना है, नोजल को खोलिए, इसको पकड़ दो बाबू। अब इसको क्या करना है, देखिए ये किक कनेक्टर को यहाँ पर फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों को किस तरह कनेक्ट करना है, इसको पीछे की ओर खींचना है, ठीक है, बिल्कुल ये सेट हो गया। अब इसको समझ लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पॉइंटेड है इसको, ठीक है, इसको प्लस में घुमा के रखना है, मतलब इसको टाइट इधर इधर करना है। देखिए इधर प्लस का निशानी है और इधर माइनस का, अगर सबसे पहले आपको प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपको चेक करना है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ पानी जा रहा है, ठीक है, पानी जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, सिर्फ पॉइंटेड में जा रहा है, सिर्फ पॉइंटेड पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। देखिए ये वाला जो यहाँ से सिर्फ अभी पॉइंटेड निकल रहा था, इसको क्या करना है, फैलाना है, मतलब स्प्रे करना है, तभी फॉर्म को हम लोग अच्छी तरह से एक जगह पर हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, देखिए इस तरह से अभी हम फॉर्म को खोल देंगे तो सिर्फ एक ही जगह पर जाके फॉर्म चला जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम लोग स्प्रे करेंगे।
देखिए यहाँ से स्प्रे करें, ठीक है, जिस तरह करना है यहाँ से करना है। अगर इसको हम घुमाएंगे, देखिए हो गया, तो कितना स्प्रे रखना है वो हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। हो गया, अब इतना पे रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग माइनस की ओर घुमाएंगे। घड़ी जिस तरह कांटा घूमता है उस तरह इसको घुमा लेना है, पूरा इधर घुमा लिए। अब देखिए किस तरह से फॉर्म निकलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कार कितना फॉर्म फॉर्म हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा है, देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा फॉर्म है। देखिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कपड़ा मारेंगे और कपड़ा मार के इसको साफ कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ पानी मरना है, तो सबसे पहले इसको फिर से हम खोलेंगे। देखिए बिल्कुल खोलना आसान नहीं है, और इस क्विक कनेक्टर को भी खोल लेंगे। दो बोला तो इसको रखो, अच्छी तरह से टाइट करना है, ठीक है, टाइट हो गया। अब पानी स्प्रे करना है, ठीक, देखिए दोस्तों इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले ऊपर का छत को मारना है, ठीक है, और इस तरह से मारना है, इस तरह से तिरछा करके मारेगा तो क्या, वो सारा जितना भी फॉर्म है उधर चला जाएगा। काफ़ी को कोई क्या करता है, नीचे से वॉश करते हैं, तो नीचे से करने से क्या होगा, जितना भी ऊपर का फॉर्म है वो फिर से नीचे चला जाएगा। इसीलिए क्या करना है, नीचे ऊपर से नीचे की ओर लाना है, ठीक है। देखिए ऊपर की ओर से नीचे की ओर लाना है, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो सारे प्रोडक्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट अमेजन में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये जेपीटी का मशीन है, जेपीटी का फॉर्म वास और जेपीटी का फॉर्म कैनन है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सामने वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।